हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास टेंथ के इंग्लिश सब्जेक्ट से 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। इस वीडियो में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेट किया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को पता होगा कि झारखंड बोर्ड में जो एग्ज़ाम होगा टेंथ क्लास का यानी कि मैट्रिक का, वो प्रत्येक सब्जेक्ट 80 अंक का होगा। उसमें से 40 अंक जो होगा वो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और जो 40 अंक होगा उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या टोटल 40 रहेगी और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव जो है वो एक एक नंबर का रहेगा, यानी कि 40 नंबर का रहेगा 40 ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेट किया गया है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको पैसेज पूछा जाएगा। तो यहाँ पर है, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, यानी कि ये जो आपको पैसेज दिया गया है उसको सावधानीपूर्वक पढ़ना है और संभावित जो ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करना है, आपको चुनना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले पैसेज को कि पैसेज में क्या बोला जा रहा है। देखिए, हेलेन केलर वाज बॉर्न इन 1880 एट टस्कम्बिया, यानी कि हेलेन केलर का जन्म टस्कम्बिया में 1880 ईस्वी में हुआ था। व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ ओल्ड, जब वो सिर्फ 19 महीने की थी, शी हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, उसको एक विचित्र प्रकार का बुखार आ गया था। द फीवर लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डीप, और ये जो विचित्र प्रकार का जो बुखार था उसको अंधा और बहरा बना दिया। हेलेन यूज्ड सिंपल साइंस टू टेल व्हाट शी वांटेड, और जब वो अंधा और बहरा बन गई हेलेन केलर, तो वो सिंपल यानी कि साधारण सा एक प्रतीक यूज किया करती थी जो वो चाहती थी। यानी कि जब हेलेन केलर किसी से कुछ कहना चाहती थी तो वो सिंपल साइन का यूज करती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल, या शेक ऑफ द हेड मीन्ट नो, जब वो अपना माथा को हिलाती थी तो उसका मतलब होता था नो, एंड या नोड मीन्ट एस, और जब वो अपना माथा को यानी कि सिर को जब हिलाती थी तो उसका मतलब होता था हाँ, या पुल मीन्ट कम एंड या पुश मीन्ट गो, पुल का मतलब होता था आना और पुश का मतलब होता था जाना। बट ऑफेन शी फाउंडेड डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, लेकिन वो अक्सर पाती थी कि उसे कम्युनिकेट करने में यानी कि लोगों से बातचीत करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है, यानी कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिस मेड हर एंग्री, और ये चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर देता था। इन हर एंगर, और वो गुस्से में, शी वुड डैश थिंग्स टू द फ्लोर, और वह बहुत जब ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी तो वो गुस्से में चीज़ों को, थिंग्स को फ्लोर पर यानी कि फर्श पर पटक दिया करती थी। समटाइम्स शी वुड इवेन लॉक हर मदर इन द किचन, और वो कभी कभी गुस्से में अपनी मम्मी को किचन में लॉक कर दिया करती थी, यानी कि बंद कर देती थी। अब ये था हमारा पैसेज। अब इससे क्वेश्चंस दिया गया है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को बारी बारी से सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, दिस पैसेज इज ऑन द लाइफ ऑफ हेलेन्स मदर, हेलेन केलर, हेलेन्स फादर, नन ऑफ द एबव। बोला जा रहा है कि यह जो पैसेज है वो किसके जीवन पर है। तो अभी हम लोग पढ़े कि ये जो पैसेज था वो हेलेन केलर के जीवन पर था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में क्या है, हेलेन केलर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड में है, व्हाट हैपेंड टू हेलेन व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ ओल्ड, जब वो सिर्फ 19 महीने की थी तब उसके साथ क्या घटना घटी थी। तो देखिए क्या हुआ था, शी हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, उसको क्या था, तो एक विचित्र प्रकार का बुखार था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड नंबर में देखिए, द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हेलेन, उसको जो विचित्र प्रकार का एक जो फीवर था, जो बुखार था, वो हेलेन को क्या बना दिया, या ब्लाइंड एंड डीप, बी ब्लाइंड एंड डम्ब, सी लेम्ड
लेम एंड डम्ब और डी में है डीप एंड डम्ब। तो अभी हम लोग पैसेज में पढ़े थे, यहाँ पर पढ़े थे कि वो जो एस्ट्रेंज काइंड ऑफ जो फीवर था वो उसको ब्लाइंड एंड डीप बना दिया। तो यहाँ पर देखिए ब्लाइंड एंड डीप कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर का ब्लाइंड एंड डीप जो है ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर ब्लाइंड एंड डीप होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हेलेन्स एंगर, हेलेन को इतना गुस्सा हो जाने के पीछे क्या कारण था। ऑप्शन ए में है डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, यानी कि किसी से बातचीत करने में कठिनाई होना। बी में है डिफिकल्टी इन डांसिंग, नाचने में कठिनाई होना। सी में है डिफिकल्टी इन रीडिंग, पढ़ने में कठिनाई होना। और डी में है डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में कठिनाई होना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, यानी कि लोगों से बातचीत करने में परेशानी होना, कठिनाई होना। नेक्स्ट देखिए फाइव नंबर में, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू कन्वे, यानी कि इस पैसेज में एक ऐसा वर्ड को चुनना है जिसका मतलब होता है टू कन्वे। कन्वे का मतलब होता है अपना बात को दूसरे लोगों तक अपना बात को पहुंचाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेट, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैसेज में। देखिए नेक्स्ट पैसेज बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये जो पैसेज आपको दिया गया है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है। देखिए गौतम बुद्धा इज अल्सो नोन एज महात्मा बुद्धा एंड भगवान बुद्धा। गौतम बुद्धा को जाना जाता था किस नाम से जाना जाता है, तो महात्मा बुद्धा और भगवान बुद्धा के नाम से जाना जाता है। हिज चाइल्ड हुड नेम वॉज सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ही वॉज बॉर्न इन 563 BC, उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। द नेम ऑफ हिज मदर वॉज महामाया, उनकी माता का नाम महामाया था। हिज वाइफ नेम वॉज यशोधरा, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ही वॉज ऑफ अ वेरी कंटेम्पलेटिव माइंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उनका जो बचपन से जो मन था वो काफ़ी ध्यानशील था, यानी कि वो बचपन से ही काफ़ी ध्यानशील व्यक्ति थे। ही ऑलवेज लुक्ड फॉर पीस अराउंड हिम, वो हमेशा अपने चारों ओर पीस यानी कि शांति ढूंढा करते थे। वन डे व्हेन योर सन वॉज बॉर्न टू हिम एट द एज ऑफ 30, ही रियलाइज्ड दैट हिज लाइफ वॉज गोइंग थ्रू डिफिकल्टीज। एक दिन उनका जब बेटा हुआ, जब गौतम बुद्धा की आयु 30 वर्ष थी, तब उनको ये रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा है। सो इसलिए वन नाइट ही लेफ्ट हिज हाउस, इसीलिए वे एक रात को अपना घर को छोड़ दिए। वाइफ एंड सन, यानी कि अपना घर को भी, वाइफ को भी और अपना बेटा को छोड़ करके वे चले गए। विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, बिना किसी को बताए वे चले गए। द रीजन फॉर लिविंग हिज रॉयल हाउस वॉज टू सीक पीस अराउंड हिम, उनका अपना रॉयल घर को छोड़ करके जाना उसका जो मुख्य कारण था वो ये था, टू सीक पीस अराउंड हिम, यानी कि चारों ओर सिर्फ और सिर्फ शांति ढूंढना। After several years of rigorous penance, he attained enlightenment in Bodh Gaya, Bihar. काफी वर्षों के कठोर तपस्या के बाद उनको बिहार के बोध गया में उनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। After this, इसके बाद he was transformed from Gautam Buddha to भगवान बुद्धा, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, तब वे गौतम बुद्धा से भगवान बुद्धा बन गए। अब देखिए इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इन सारे प्रश्नों को सोल्व करने का। सिक्स नंबर में देखिए, एट व्हाट एज वाज योर सन बॉर्न टू गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा की उस समय आयु क्या थी जब उनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो उस समय अभी हम लोग पढ़े थे कि उस समय उनकी जो आयु थी वो 30 ईयर्स थी, यानी कि 30 साल थी। देखिए यहाँ पर
एट द एज ऑफ 30, यानी कि उस समय उनकी जो आयु थी वो कितनी थी, 30 ईयर्स थी। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 30 ईयर्स। नेक्स्ट है, वाई डिड गौतम बुद्धा लीव हिज रॉयल होम, गौतम बुद्धा ने अपना रॉयल होम को क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देखे थे, टू सीक पीस अराउंड हिम, यानी कि अपने चारों ओर शांति ढूंढने के लिए वो अपने रॉयल घर को, ऐशो आराम की जिंदगी को वे त्याग करके वे अपना घर को भी, अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को छोड़ करके वे चले गए थे शांति की खोज में, शांति की तलाश में। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज हिज वाइफ नेम, उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम अभी हम लोग यहाँ पर देखे थे कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था यशोधरा। देखिए, हिज वाइफ नेम वाज यशोधरा, यहाँ पर है आंसर। और अगर पूछा जाता कि गौतम बुद्धा की माता का क्या नाम था, तो हिज मदर नेम वाज महामाया, ठीक है। तो यशोधरा इज द करेक्ट आंसर, हिज वाइफ नेम वाज यशोधरा। नेक्स्ट है, राइट द अदर नेम्स ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा का और दूसरा नाम क्या था। तो गौतम बुद्धा का दूसरा नाम भगवान बुद्धा था, सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध था। यहां पर देखिए, महात्मा बुद्ध। अब यहां पर देखिए 10 नंबर प्रश्न में, गिव द सिनोनिम्स ऑफ इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए, इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान, तो नॉलेज मतलब भी होता है ज्ञान, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, एज्यूम योर सेल्फ एज रानी और रवि, अपने आप को एज्यूम करना है, ऐसा मान लेना है कि आप रानी हो या तो आप रवि हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 डेज, अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखना है 2 दिनों की छुट्टी के लिए। कंप्लीट द एप्लीकेशन बाय चूजिंग द सूटेबल ऑप्शन गिवेन, जो आपको ऑप्शन में दिया गया है वो सूटेबल ऑप्शन को चुन करके यहाँ पर आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, टू है तो टू के बाद क्या होना चाहिए 11 नंबर में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, द हेडमास्टर और द हेडमास्टर, और यहाँ पर भी है ऑप्शन नंबर डी में द हेडमास्टर, चारों जगह पर द हेडमास्टर है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा इसका लेटर में। देखिए ऑप्शन ए में देखिए टी कैपिटल है और एच कैपिटल है, यहाँ पर देखिए टी कैपिटल है और एच स्मॉल है, टी यहाँ पर देखिए स्मॉल है और यहाँ पर एच कैपिटल है, यहाँ पर देखिए टी और एच दोनों स्मॉल है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो टी कैपिटल और एच कैपिटल, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, द हेडमास्टर। दोनों का फर्स्ट लेटर जो है टी और एच दोनों कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हेडमास्टर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, एसएस प्लस टू हाई स्कूल केरेडारी, 5th मार्च 2022, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव सर। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम, यहाँ पर देखिए आई एम है, उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर में ब्लैंक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए कि 12 नंबर का क्या ऑप्शन दिया गया है। ए में है सफर्स, बी में है सफर और सी में है सफरिंग और डी में है वाज सफरिंग। तो आप यहाँ पर इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए, आई एम, यहाँ पर एम का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसके साथ हमेशा क्या होगा ing, यानी कि before का यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ing है सफर के साथ, तो ये हो जाएगा सफरिंग। तो यहाँ पर क्या होगा सफरिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम फीवर आई एम देयर फॉर कंपेल्ड टू, उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 नंबर में क्या होगा, प्रेजेंट, बंक, अब्सेंट, लेफ्ट। इसका हिंदी ये हुआ कि विनयपूर्वक और काफ़ी सम्मानपूर्वक मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, आई एम देयर फॉर, और इसीलिए कंपेल्ड टू, और इसीलिए मैं मजबूर हूँ। किस लिए मजबूर हूँ, तो क्या प्रेजेंट होने के लिए, नहीं, बंक करने के लिए, नहीं, लेफ्ट, नहीं, यहाँ पर होगा अब्सेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कंपेल्ड टू अब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 डेज, यानी कि
दो दिनों के लिए। मैं खुद को स्कूल में अब्सेंट होने के लिए मजबूर हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्सेंट। उसके बाद देखिए, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। और मैं आपसे विनम्र पूर्वक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। आई शैल बी हाईली। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर में है ऑब्लाइग्ड टू यू। ऑब्लाइग्ड ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर फील होगा 14 का, ऑब्लाइग्ड टू यू फॉर दिस एक्ट। और इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। फिर है थैंकिंग यू योर्स। 15 नंबर में यहाँ पर देखिए क्या फील करोगे, ओबीडियंटली लविंगली ओब्लाइग्ड लविंग। तो यहाँ पर होगा ओबीडियंटली, यानी कि आपका आज्ञाकारी स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा रवि रानी, 10th ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 16 नंबर में। 16 नंबर में देखिए ग्रामर से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सी डज नॉट नो ब्लैंक टू डांस, हाउ कैन मस्ट कुड। यहाँ पर जो है वो फील हो जाएगा हाउ। 16 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, शी डज नॉट नो हाउ टू डांस, उसे नहीं पता है, क्या नहीं पता है कि कैसे नाचा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ। 17 में देखिए सी ब्लैंक स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती है। यहाँ पर देखिए कौन सा मॉडल वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पर कैन का यूज होगा। कैन का यूज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए एबिलिटी बताया जा रहा है, यानी कि क्षमता बताई जा रही है कि उसके पास इतनी क्षमता है, इतनी एबिलिटी है कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती है, इसीलिए यहाँ पर कैन का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर में गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर कौन सा मॉडल वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लामेटरी सिंबल है, तो यहाँ पर यूज होगा मे का। मे का यूज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर विश किया जा रहा है, यानी कि किसी से दुआ मांगा जा रहा है कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो यहाँ पर मे का यूज होगा। जब भी कभी विशिंग और ब्लेसिंग वाली बात होती है तो हमेशा वहाँ पर मे का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए मे का यूज होगा। नेक्स्ट है यू ब्लैंक पे द टैक्सेस, यहाँ पर देखिए मस्ट का यूज होगा, ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर। देखिए यू मस्ट पे द टैक्सेस, तुम्हें टैक्स को, कर को अवश्य चुका देनी चाहिए। तो यहाँ पर अवश्य चुकानी चाहिए का मतलब हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है मस्ट फील होगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर में यू राइट या लेटर ब्लैंक, यहाँ पर क्या भराएगा वो आपको चुनना है, फूड भराएगा कि कैन होगा, मे होगा, मस्ट होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर फील होगा कैन। कैन यू राइट ये लेटर, यानी कि क्या आपके पास इतनी एबिलिटी है, क्या आपके पास इतनी क्षमता है कि आप एक लेटर लिख सकते हो। तो जब भी कभी क्षमता वाली बात आती है तो यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। कैन यू राइट ये लेटर, क्या आप एक पत्र लिख सकते हो। नेक्स्ट है 21 में आई कम इन मैडम, यानी कि यहाँ पर देखिए पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हमेशा यहाँ पर मे का प्रयोग होगा, यहाँ पर फिल करेंगे मे आई कम इन मैडम। यहाँ पर फॉर्मल मैनर में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर मे का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर में क्या है, ही अलवेज ब्लैंक द ट्रूथ स्पीकिंग स्पीक स्पीक्स नन। तो यहाँ पर देखिए ही का प्रयोग हुआ है, और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस है। तो जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में ही शी इट और कोई भी नाम रहे तो उसके साथ एफ या ई एफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो स्पीक्स एफ पी ई ए के, और यहाँ पर लगा हुआ है भी 5 यानी कि एफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ही अलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। नेक्स्ट है इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या होगा यहाँ पर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, स्मोकिंग इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखिए 24 नंबर में, हाउ मच मनी डिड लेंको रिसीव। ये जो है वो टेक्स्ट बुक का सवाल है कि लेंको ने टोटल कितने रुपया रिसीव किया। तो अगर आप अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लेंको जो है वो टोटल 70 पेशोस को प्राप्त करता है, रिसीव करता है। नेक्स्ट है 25 नंबर में, हु वाज मिस्टर किशिंग, एनीज फ्रेंड, एनीज अंकल, एनीज टीचर, एनीज फादर। तो मिस्टर किशिंग कौन थे? तो मिस्टर किशिंग जो थे वो एन फ्रेंक का टीचर थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से ह्यूमन के हार्ट में क्या आता है, सबसे अधिक क्या आता है? तो लव आता है, यानी कि प्यार आता है। किसके अनुसार? तो नेल्सन मंडेला के अनुसार। नेक्स्ट है 27 नंबर में, हु वाज लेंकोज ओनली होप। लेंको का सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही आशा कौन था? तो सिर्फ और सिर्फ एक आशा भगवान थे। इसीलिए लेंको क्या करता है कि भगवान के पास एक लेटर लिखता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है 28 नंबर, देखिए, द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी का जो ऑथर होता है, जो लेखक होता है, वो कौन होता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एन फ्रैंक खुद होती है, क्योंकि एन फ्रैंक का ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC ओन हाउ मेनी सीट्स। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो ANC पता होगा आप लोग को किसकी पार्टी थी, तो ये जो पार्टी थी नेल्सन मंडेला की पार्टी थी और 252 से 252 सीट वो जीती थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी। मंडेला के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट है, अनिल वाजिया ब्लैंक बाय प्रोफेशन। अनिल जो था वो पेशे से क्या था? राइटर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर। तो अनिल जो था वो पेशे से एक राइटर था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 32 नंबर में, फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड। ट्रिकी को बिना भोजन के कितने दिनों तक रखा गया था? तो उसको रखा गया था कितने दिनों तक? 2 डेज, 2 दिनों तक। नेक्स्ट है, हु इज मिसेज पम्फ्री। मिसेज पम्फ्री कौन है? तो मिसेज पम्फ्री कौन है? ए में है ऑनर ऑफ द डॉग, बी में है गार्डनर, सी में है वेटनरी और डी में है नन ऑफ दीज। तो मिसेज पम्फ्री कौन है? तो मिसेज पम्फ्री जो है वो ऑनर ऑफ द डॉग, यानी कि डॉग की, कुत्ते की मालकिन है। नेक्स्ट है 34 नंबर में, हाउ ऑफन डिड द थीफ चेंज्ड हिज नेम। जो चोर था वो अक्सर कितने दिनों में बदला करता था, यानी कि चोर जो था वो अपना नाम को कैसे बदलता था? तो देखिए, प्रत्येक दिन बदलता था, प्रत्येक महीना बदलता था, प्रत्येक सप्ताह बदलता था कि पर साल बदलता था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एवरी मंथ बदलता था, प्रत्येक महीने बदलता था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मिसेज पम्फ्री ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। यानी कि मिसेज पम्फ्री के अनुसार ट्रिकी जो था, जो उसका डॉग का नाम था ट्रिकी, वो माल न्यूट्रिशन से सफरिंग था, पीड़ित था। नेक्स्ट है, वेयर वाज द टाइगर। टाइगर बाघ जो था वो कहाँ था? तो इन द केज। टाइगर कहाँ था? तो टाइगर जो था वो पिंजड़े में था, इन द केज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंगर। एंगर मतलब होता है गुस्सा, क्रोध होना। तो एंगर का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रेज होगा, REG, रेज। नेक्स्ट है, व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। एक अच्छी फसल होने के लिए पृथ्वी को क्या जरूरत होती है? तो यह सावर, सावर की जरूरत होती है, यानी कि बारिश की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, या वर्ड फॉर हेवी रेन इज डाउनपावर, हार्वेस्ट, क्रेस्ट, इंटायर। तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनपावर। नेक्स्ट है 40 नंबर में, द बॉल पोयम रिटन बाय। बॉल पोयम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट विटमैन, जॉन बेरीमैन,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबिन क्लेन। तो ये लिखा गया है जॉन बेरीमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये 40 के 40 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।